हेलो गाइस, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पानी पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और मटर को बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं जिंजर, मिर्चा, लहसुन, प्याज और मिर्ची और धनिया का पत्ती मिक्स कर लूँगी मिक्सी में और इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब मैं इसके अंदर थोड़े टमाटर डाल के इसको फिर से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैं अब ग्राइंड कर ली हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं तेल डाल दूँगी। जब तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए हम उसके अंदर जीरा डाल देंगे और उसके बाद हम धो के कढ़ी पत्ता डाल देंगे। और इसके बाद मैंने प्याज काट के रखे थे उनको भी मैं डाल दूंगी और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूज लूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी एक बार अच्छे से। तो अब मैंने अपने पेस्ट में हल्दी, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, एवरेस्ट मसाला, छोले का एवरेस्ट मसाला और आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो एक बार मैं इसको फिर से मिक्स कर लूँगी। अब हमने जो पेस्ट बनाया तो उसको अच्छे से मिक्स करके हम अपने प्याज में डाल लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। तब तक मैं इसको भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए गाइस हमारा मसाला तेल छोड़ रहा है और एकदम अच्छे से इसने छोड़ दिया है और ये अच्छे से पक गया है और हमारा आलू और मटर भी बॉईल हो चुका है। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं अपना मसाला डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बार अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको 3 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तब तक मैं अपनी तीखे पानी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती डाला है, इसके अंदर जीरा, मिर्चा डाल के और पुदीना डाल के मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और हमने यहाँ पे इमली भिगो के रखा है। तो ये देखिए हमारा पानी पूरी का पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और हमारी मीठी चटनी भी रेडी है। तो मैं अपने पानी में अब मैं थोड़ी इमली की चटनी इसमें डालूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब मैं सारी अपनी इमली की चटनी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, काला नमक डाल दूंगी, जीरा नमक डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी जो ऑप्शनल है। हमारे छोले भी एकदम रेडी हैं। ये देखिए अब मैं पहले थोड़ा चाट बनाऊंगी अपने छोले का। इसके लिए मैं समोसा डाल रही हूँ। समोसे की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब मैं उसके ऊपर अपना छोला डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं प्याज, कांदा डाल के थोड़ा, अब मैंने दाल मोट नमकीन डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर सेव डाल दूंगी
और इसके बाद थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी। ये सब होने के बाद हमारे छोले रेडी हैं। आप चाहे तो इसको चाट के रूप में भी खा सकते हैं या चाहे तो अपने पानी पूरी में भी डाल सकते हैं। तो हम इसको अभी पानी पूरी में डालने के लिए बनाए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से रेडी है। ये देखिए गाइज हमारा कितने अच्छे से बन के आया है। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। वाओ, आप चाहे तो मीठी चटनी भी बना सकते हैं लेकिन हम तीखी ही खाते हैं तो हमने अभी तीखी ही बनाई है। और आप चाहे तो अपने पानी में बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए गाइस कितना अमेजिंग बन के आया है ये। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना। चलिए गाइस बाय।